नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको छोले भटूरे की सिखाएंगे। इसके लिए मैंने मोटे वाले चने लिए हैं, जिनको मैंने पूरी रात भिगोया है और उसके बाद इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। चार पांच सीटी लगाई है इसमें और इसमें मैंने चाय पत्ती को उबालकर उसका पानी डाल के उसमें उबाला है। इसके साथ ही नमक डाला और थोड़ा सा मीठा सोडा। अब ये बिल्कुल ही देखें, बिल्कुल ही छोले गल चुके हैं अच्छी तरह से और ये थोड़े काले भी हुए हैं। अब इनको हम छोंक लेते हैं। मैं इसमें ये थोड़े से आलू मैंने उबले हुए लिए हैं, दो आलू हैं ये, इनको मैं पहले थोड़ा फ्राई कर लूंगी। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसमें हल्के से फ्राई करेंगे। ये हम पिंडी छोले बनाएंगे। अब ये हो गए हमारे आलू, इनको निकाल लेते हैं। तेल में बचे हुए मैं अपने छोले छोंकेंगे। इसके लिए मैंने दो बड़ी इलायची हैं, जिनको हल्का सा खोल के इनको, ये लौंग, दालचीनी और दो तेज पत्ते। सबसे पहले ये धनिया लिया हमने, सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। ये दो चम्मच धनिया है, इसमें आधा चम्मच ये गरम मसाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च, ये आधा चम्मच ही हल्दी डाली है, ये 1/4 चम्मच काली मिर्च डालिए, और ये अमचूर पाउडर है, ये हमने एक चम्मच लिया है। बस इसके साथ ही ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है एक चम्मच, इसको हम क्रश कर लेंगे और फिर इसी में मिला देंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी डालिए। अब इस मसाले से हमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। जो मसाले हमने मिक्स करे हैं सारे, इनको डालेंगे। और इसको भूनेंगे 2 मिनट। 2 मिनट इनको भून लेंगे। तेल मैंने कम डाला है, आपको चाहिए ज्यादा वो लग रहा है तो आप डाल सकते हो। ये मसाला भुन गया हमारा। अब इसमें जो हमने ये छोले उबाले हैं इनको डालेंगे। गैस को बिल्कुल सेम रखें। ये सारे छोले डाल देते हैं। ये हमारे छोले अच्छे मसाले मिल रहे हैं। अब इसमें हम ये हमने अदरक को लंबा लंबा काटा है, जिंजर जूलियन, ये डालेंगे। ये अच्छी लगती है इसमें छोले में बाद में। उसके साथ ये प्याज हमने गोल 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 काटी है छल्ले इसके।
ऐसे बीच में से छल्ले निकाल के थोड़ा थोड़ा खोल के इनको, और ये गोली टमाटर काटा है इसको भी इसमें डाल देंगे। साथ ही ये दो हरी मिर्च लंबी लंबी काटी हैं, मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब इसको हम थोड़ा सा एक बार मसाला मिल गया इसमें, ये जो हमने छोले का पानी छोले उबाले थे उसमें से पानी निकला था ये उसमें डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है सूखे रखना है उसके हिसाब से कम ज्यादा आप कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें एक बॉईल लगाएंगे, बॉईल आएगा फिर उसके बाद गैस बंद करेंगे और थोड़ा सा इनको मैश करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, अब इसको थोड़ा बॉईल आने तक हम इसको ढककर पकाएंगे, और उसके साथ ही थोड़ा नमक हमने छोला उबालने में डाल दिया था थोड़ा आप डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके बस अब इसको उबाल आने तक इसको ढककर पकाएंगे। छोले हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें ये जो हमने फ्राई किया था आलू ये मिक्स कर लेंगे। ये हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं।